शताब्दी महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो हमारे सारे ठाकुर जो यहाँ विराजमान हैं वो प्रसन्न होकर के हम सब पर आशीर्वाद की वृष्टि करें, ऐसी जय घोष होनी चाहिए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करें। सब लोग संकोच छोड़ करके भक्ति भाव पूर्वक मेरे साथ सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम कथा प्रारंभ करने से पहले कथा श्रवण करने के लिए जिस प्रशांत अंतरंग मनस्थिति की आवश्यकता है और आदर्श बहिरंग परिस्थिति, वह दोनों ही प्रभु की कृपा के द्वारा निर्मित हो सकती है। कुछ देर के लिए हम लोग सब अपने नेत्र मूंद करके अपनी समस्त बहिर्मुखी वृत्तियों को समेट करके अंतर जगत में प्रविष्ट हो जाए। यहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रोता से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद करके आंखें बंद करके प्रभु की ध्यान समाधि में तल्लीन होने की चेष्टा करें और भाव
शरीर से, मन शरीर से यही अनुभव करें कि हम और आप सभी प्रभु के दिव्य लोक में बैठे हुए हैं और आज प्रभु के धाम में विशाल महोत्सव मनाया जा रहा है। राम कथा और कृष्ण कथा का आयोजन किया गया है और सारे देवी देवता अपने अपने लोकों से चलकर आज यहाँ पर पधारे हैं। हमें सबका दर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारे समक्ष प्रभु की अत्यंत सुंदर मनोरम झांकी है। विशाल कल्पवृक्ष के नीचे दो रत्न घटित स्वर्णिम कनक सिंहासन जगमगा रहे हैं और एक ओर जहां श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय प्राणेश्वरी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जी के साथ वंशी धारण करके विराजमान है, तो दूसरे सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं शील सिंधु करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार और उनके साथ उनके बाम भाग में उनकी आदि शक्ति जगदम्बा पर अम्बा जगत जननी श्री जानकी जी प्रभु के साथ मिलित भाव से विराजमान है। प्रभु की नेत्रों में ऐसी करुणा और कृपा का दर्शन हो रहा है। वात्सल्य भरी दृष्टि से प्रभु हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर प्रभु कृपा की दृष्टि कर रहे हैं। प्रभु के दरबार में आज जो राम कथा का आयोजन किया गया है तो कथा श्रवण करने हेतु सारे ऋषि मुनि महात्मा वृंद आचार्यगण गुरुजन प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद दादा गुरु श्री अखंडानंद जी महाराज विराजमान हैं और व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं मानस मर्मज्ञ युग तुलसी परम पूज्यपाद श्री सतगुरु।